एक बात बताइए भैया, बाबा से आपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उथल पुथल मच रहा है, उसके लगी कुछ मांगे या फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्या आपने मांगा बाबा के? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए, उनके कल्याण के लिए हमने मांगा है। और ये पूजा पाठ जो है, ये सर्व कल्याण के लिए होता है। पूजा पाठ है, और कोई भी बड़ा अनुष्ठान किसी एक कार्य के, एक आदमी पर्सनल इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं होता है। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को पूजा करना चाहिए तो समाज कल्याण के लिए समय करना चाहिए। और हम लोग भोजपुरी से हैं, और भोजपुरी की देन है कि आज गणपति बापा का अपने ऑफिस में पूजा कर रहे हैं। नहीं तो भोजपुरी के कल्याण के लिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भोजपुरी के लिए कुछ करूँ। तो आज बजरंग अथी गणपति बापा को बुलाए हैं, और इनसे मंगल मूर्ति है, और इनसे मंगल करते हैं कि सबका मंगल हो और सारे विवाद खत्म। खेसारी जी वाला विवाद है, ये कब नहीं खत्म सर, होगा? कब कब ये खबर ऐसा आएगा कि भाई खेसारी जी का जो कंट्रोवर्सी है, लाइव में भी वो आके जो टीम पर आरोप लग रहा था कि भाई उनकी टीम जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने लाइव आके कहा कि भैया ऐसा टीम नहीं है, आप क्या देखते? देखिए, खेसारी जी का कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। इसके पहले भी 14 अक्टूबर 2022 को एक बार कोर्ट का निर्णय आया था, स्टे आया था। फिर हम लोगों ने अपील किया, और कोर्ट से स्टे का वॉकेट हुआ, और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और फिर वही हुआ है। फर्स्ट बेंच का निर्णय था अपने पक्ष में, सेकंड बेंच में उनके पक्ष में आया है। तो सेकंड बेंच के बाद हम लोग अपना अपील करेंगे आगे, और जल्दी अच्छा होगा, कोर्ट राहत देगी। क्योंकि कलाकार को आप किसी भी अनुबंध में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकते हैं जो कलाकार के लिए क्षति हो। और कलाकार बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नियम है, अब वो सब हम उतना नहीं बता सकते। लेकिन क्या है कि जल्दी सब अच्छा होगा, और देखिए कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग विवाद कर कुछ देते लोग हैं ऐसा नहीं कह जो, रहे थे कि डायरेक्ट टीम पर आरोप लग रहा था कि भाई टीम के आसपास के लोग ही उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर, हालांकि खेसारी जी ने लाइव आके बोल दिया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी टीम ही उनको बर्बाद, जिस तरीके से उन्हें बनाया उसी तरीके से उनको डुबाने की भी भरपूर कोशिश किया जा रहा है। देखिए अब क्या फैक्ट है। देखिए, अगर किसी टीम में अगर हमको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है, तो क्या है कि क्या फैक्ट है। अगर वो बोल रहा है बंदा, तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ होगा, तभी उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। और हमने उसको मौका दिया है, तभी तो बोल रहा है। अगर हमारे बारे में कोई बोल रहा है तो हम उसको मौका दें। कोई नहीं, कोई हमारे बारे में बोल देता है, आपके बारे में क्यों नहीं बोल देता है? अगर आप किसी को मौका दीजिएगा, आप उससे बात कीजिएगा, आप उसके बारे में अपना क्यों दीजिएगा। देखो, खिस्सा कल देहात में, गाँव घर फूटे तो गंवार लूटेला। हम इस संदर्भ में खेसारी से भी बात किए थे कि भाई आपके टीम के हर चीज़, हर सीक्रेट चीज़ को लोग कैसे वायरल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ न्यूज़ तो दे रहा होगा ना, तभी कोई बंदा बोल रहा है। कुछ तो टीम में गलत है, तभी तो वो चीज़ें जो अंदर की बातें होती है वो टीम से बाहर कैसे आ रही है। एक पीआर सेक्शन होता है सेलिब्रिटी का, क्यों पीआर मैनेजमेंट होता है कि पीआर लोग ही खबरें को बाकट करेंगे जो काम की चीज़ होती है, लेकिन ये खबर उल्टी पुल्टी। नहीं देखिए, यही मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ मिस गाइड होगा, जिसके वजह से ये चीज़ हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी गलत गलत न्यूज़ बनाए, देखिए इस परिस्थिति में तो न्यूज़ बनाना ही चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ बनाना चाहिए। क्योंकि आदमी, जब आदमी डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि लोग और डिप्रेशन में हो जाए। आप अपने मजे के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है।